हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इमरजेंसी प्रोविजन क्या कुछ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हम आज ही के इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ कुछ एक स्पेशल प्रोविजन रहते हैं, ठीक है, उसको आप बेयर एक्ट से जो है वो रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ये 19th सेशन है और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट सेशन रहेगा। कल हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है, यदि आप यूजीसी नेट पेपर टू लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये दिया गया है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, ठीक है, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम जो है वो अपनाया जा सके और अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो सके, बोथ यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि सही से जो है वो लोकतंत्र हमारा अपनाया जा सके। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है, बाकी आपको इतना ही याद रखना, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो कि डील करता है कि पावर क्या कुछ होंगी, क्या कुछ फंक्शन होंगे, क्या टेन्योर रहेगा, एलिजिबिलिटी की कि इस कमीशन एंड मेंबर, ये जो इलेक्शन कमीशन है और इसके मेंबर्स की क्या कुछ पावर है, फंक्शन है, ये सब हमारे इस पार्ट में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 324 में दिया गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, कि भारत में मतदाता सूची, चुनावों के संचालन, के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है वो प्रदान किया गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? अपहोल्ड करना स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को और वैल्यूज इनशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां बोला है कि संविधान में निहित जो भी लोकतंत्र और मूल्यों की भावना को बनाए रखना है। कंडक्ट करवाने हैं आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि किसी भी तरह की जो है वो किसी भी तरह की गड़बड़ी इलेक्शन में ना हो, ठीक है। और इंश्योर करना है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जिनकी 18 ईयर से लेकर अबव एज हो चुकी है वो एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराना है, ऑल जितने भी एलिजिबल सिटीजन है जो कि वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टू एंगेज करना है पोलिटिकल पार्टीज और ऑल स्टेक होल्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया के हित में जो है सार्वजनिक राजनीतिक दलों के और सभी हित सुधारकों के साथ जो है वो जुड़ना, और आपको प्रमोट करना है, अवेयरनेस लेके आना है, आपको अवेयर करना है लोगों को ताकि क्या किया जा सके, अवेयर करना है लोगों को ताकि प्रमोट हो, ताकि वोट जो है वो हर कोई पर्सन जो है काट दे सके, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ऐसा सिस्टम था कि लोग वोट डालने जाते ही नहीं थे, वो ये बोलते थे कि हमें कहाँ गवर्नमेंट कुछ खाने के लिए दे रही है और वोट जो ही नहीं डालते थे, ठीक है। तो आज एट प्रेजेंट के टाइम में लोग अवेयर हो चुके हैं कि हम यदि वोट कास्ट करेंगे, यदि हम एक वोट डालेंगे तो उससे हम अपनी सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस लेके आना भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपोजिशन कैसे होता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? तो बोला है कि ये कमीशन, ठीक है, ये यहाँ पर पहले जब हमारा ये कमीशन बनाया गया था तो सिर्फ एक पर्सन था जो कि इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के आने के बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो बन चुकी है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कुछ एक फॉलोइंग प्रोविजन जो कि किससे रिलेटेड है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। फर्स्ट बोला गया है कि क्या होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है, और सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है, कि और जो भी डिटरमाइन किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एक तो बोला कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे प्लस जो कि मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। उसका स्पेसिफाई यहां पर नंबर नहीं बताया गया है, ये प्रेसिडेंट के लिए बताया गया कि इसका रूल और इसको डिसाइड करने की पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। और इसके अलावा बोले प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को
और अदर इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। और इसके अलावा बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन जब अदर इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करना हो तो, उनको अपॉइंट करना हो तो, ठीक है। बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं एक रीजनल कमिश्नर, किसकी कंसल्टेशन से, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब जो उनका टाइम और सर्विस एंड टेन्योर है वो भी फिक्स नहीं किया गया है, ये भी यहां पर ये बोला है कि ये जब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं तब तक कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। और बोला है इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी जो है वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं सेम स्टेटस और रिसीव कर सकते हैं सैलरी, ठीक है, सेम सैलरी एंड सेम स्टेटस रिसीव कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है, कि उनके ही बराबर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के बराबर ही उनको सैलरी स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको इक्वल पावर दी गई है डिसीजन, यदि उनको डिसीजन लेना हो रिलेटिंग टू द इलेक्शन और कलेक्टिव बॉडी की, ठीक है, उनको जो है ये पावर भी दे दी है। और यदि इन केस यदि हो जाए कि डिफरेंस ओपिनियन हो जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर के बीच में, उनके ओपिनियन को लेकर जो है वो कोई मतभेद हो जाए तो बाय मेजॉरिटी जो है वो कमीशन डिसाइड करेगा उस मैटर को, ठीक है। बात करते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा टेरिटोरियल की इस टेरिटरी में कितने जो है वो मतलब कंस्टिट्यूएंसी जो होती है ना, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं टेरिटोरियल एरिया को देखकर और डी लिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत, ठीक है। फिर जो भी इलेक्ट्रोल रोल होता है और उसको रिवाइज कराया जाता है, टाइम टू टाइम देखा जाता है, उसको संशोधित किया जाता है और शेड्यूल किया जाता है कि इलेक्शन कब होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी नॉमिनेशन पेपर आए होते हैं कैंडिडेट की, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया होता है उसको रिसीव करना, स्क्रूटनाइज करना और रजिस्टर्ड करना पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रोवाइड करना इलेक्शन सिंबल की, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड आप जानते हैं कि अलग अलग सिंबल दिए जाते हैं बीजेपी कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो भी इलेक्शन सिंबल देना वो भी इनका जो है वो ड्यूटी रहता है, ठीक है। ग्रांट करना रिकॉग्नाइजेशन और प्रोवाइड करना स्टेटस ऑफ नेशनल स्टेट पार्टी टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, किस बेसिस पर, परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्शन के बेसिस पर, और रिजॉल्व करना यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है उनके बीच में पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अलॉटमेंट ऑफ सिंबल के बीच में, तो उसको उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंट करना ऑफिसर जो कि इंक्वायरी करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन, कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, इसलिए जो है उनको अपॉइंट करना है, क्या अपॉइंट करना ऑफिसर ताकि वो इंक्वायरी कर सके, ठीक है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू, यदि कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्ट्रल अरेंजमेंट को रिलेटेड तो वो इंक्वायरी कर सकता है। और इंश्योर करना है कि जो इलेक्शन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके कैंडिडेट जो है वो इंश्योर करना है कि वो फॉलो करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और यदि इनकेस यदि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात आती है, ठीक है, और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो प्रेसिडेंट जो है उनसे सलाह ली जा सकती है, एडवाइस ली जा सकती है प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब रिवाइज करना इलेक्शन मशीनरी को इन ऑर्डर टू इंश्योर ताकि क्या किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जा सके, कैंसिल भी किया जा सकता है पॉल को यदि इरेगुलरिटी एंड रॉन्ग डूइंग दिख रही है, ठीक है, कि वहां पर सही तरीके से काम नहीं चल रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो उस पॉल को। एडवाइज करना प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, कि राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है, कि यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान ही यदि चुनाव करवाने हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या आता है, तो सबसे पहले कि उनको किस तरह से हटाया, रिमूवल किस तरह से किया जा सकता है, तो बोले वही प्रोसेस है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का आप रिमूवल करते हो, ठीक है, उनको यदि हटाया जाना है तो वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जैसे कि दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करोगे वैसे ही यहाँ पर भी आप पास कर सकते हो और उनको हटा सकते हो, बट किस बेसिस पर, यदि उनके खिलाफ प्रूव हो जाए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तो, ठीक है। और इसके अलावा बोला है कि
जो एनी इलेक्शन कमिश्नर, एक रीजनल कमिश्नर जो है वो को रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। यहां पर बोला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के अलावा कोई भी रीजनल कमिश्नर को, अदर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ एक लिमिटेशन और कुछ एक खामियां देखने को मिलती हैं, कि आपने शुरू से यदि सेशन को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि अभी तक हमने यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ही नहीं गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा। ये बोला गया है कि ये डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन स्पेसिफाइड टर्म नहीं डिसाइड करा गया, ठीक है। और बोला है किसी भी पर्सन को ये नहीं बोला गया है कि आप यदि इलेक्शन कमीशन से रिटायर होते हैं तो आपको फर्दर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह से किसी कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया। और आप जानते हैं कि यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज दी गई है कि यदि आप जानते हैं कि एट प्रेजेंट में आप देखो तो मनी और क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है वायलेंस को और क्रिएट कर इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, और जिसका रिजल्ट क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रोविजन है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग मशीनों को जो है वो हैक कर लिया जाता है, रजिस्टरिंग जो भी वोट है जिनका मिसयूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म की। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 पार्ट 15 जो है डील करता है इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है वो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और इसमें बोला है देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, की प्रत्येक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता जो है वो सूची होगी, ठीक है। और इलेक्टोरल रोल का यूज किया जाएगा बोथ सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि संविधान के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इक्वालिटी दी जाएगी हर एक पर्सन जो कि एज जिसकी एज 18 प्लस हो चुकी है, तो उसको राइट टू वोट दिया जाएगा, ठीक है। और अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट हुई थी 1988 में, उसके दौरान जो है वो 21st से लेकर एज जो है 18 कर दी है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है वोट की, तो बोले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है, यही है। और अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की, ठीक है। तो हमारा इंडिया क्या है, हमारे इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, और कहीं ना कहीं आपको यूनिटरी गवर्नमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो कई बार इससे पहले भी सेशन हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्या है, हमारा इंडिया में जो है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जो है पाई जाती है। हम कहीं ना कहीं फेडरल प्रोविजन को भी जो है वो अडॉप्ट किया है हमने, और साथ ही साथ यूनिटरी गवर्नमेंट के प्रोविजन को भी अडॉप्ट किया है। जब हमारा मैटर आता है इमरजेंसी का तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का देखने को मिलती है, ठीक है। ड्यू टू द रीजन डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने बोला है कि इंडिया इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिक है, बिकॉज इट बिकम इंटायरली यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कि जब हमारे आपातकाल की घोषणा होती है, जब इमरजेंसी आती लगती है, तो आपको यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए इंटू द यूनिटरी फीचर को, ठीक है। कि और साथ ही साथ इमरजेंसी इज अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो, छीन ले दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है। तो बोला है इमरजेंसी कैसी सिचुएशन है, ठीक है, ये तब अराइज होती है जब फेलियर हो जाए गवर्नमेंट, जो है गवर्नमेंट की मशीनरी काम करने में फेल हो जाए, और जहां पर जरूरत हो, डिमांड हो इमिडिएट एक्शन लेने की और इमिडिएट अथॉरिटी, ठीक है, फ्रॉम द अथॉरिटी, तब हमारी इमरजेंसी देखने को मिलती है। कैसी सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी ये बोला गया है कि इमरजेंसी कैसी सिचुएशन है जहां पर रिक्वायर होती है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी आप वहां के लोगों को लाइफ और प्रॉपर्टी का खतरा रहता है, मतलब जहां पर थ्रेट की स्थिति जो है वो पैदा हो जाए, तब आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, तब ये उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि इमरजेंसी है। टाइप ऑफ इमरजेंसी क्या है, तो सबसे पहले याद करना है कि पार्ट 18
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से। आर्टिकल 352 से लेकर 360 में जो है वो थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी मेंशन की गई है। पावर ऑफ इम्पोजिंग ऑल थ्री इमरजेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ पावर किसको दी गई है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। और ये भी कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी जो है वो बोरो किया गया है कहां से, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपकी प्रेसिडेंशियल आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया गया है, 356 में स्टेट इमरजेंसी बताया गया, 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया गया। ग्राउंड क्या है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी कब कब लगती है, तो क्या कुछ ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी के, क्योंकि यदि वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाए, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, बोला कि जब भी किसी कंट्री के खिलाफ औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से कोई बाहर की कंट्री क्या कर दे, वॉर कर दे, ठीक है, युद्ध की घोषणा कर दे, और वो वायलेंट स्ट्रगल यूजिंग आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस का यूज किया जाए, और प्रतब जो है वो प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, यदि वॉर की सिचुएशन होता है। यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, मीन कि जब कोई कंट्री जो है वो अटैक कर दे अनदर, कोई अनदर कंट्री किसी एक कंट्री पर अटैक कर दे बिना कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन करे हुए, विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये यूनिलेटरल अटैक बाय द कंट्री टुवर्ड इंडिया, तो ये ऐसी सभी सर्कमस्टांसेस पर भी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करें, इम्पोज कर देंगे नेशनल इमरजेंसी। थर्ड बताया गया है कि आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, जब इंटरनल ही एग्रेशन हो जाए, इमरजेंसी ड्यू टू द आर्म्ड रिबेलियन में भी इम्पोज की जा सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल जो है रिवेल कर दे अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट के से, ठीक है, तो वहां पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 में दिया गया है, ग्राउंड क्या है प्रोक्लेमेशन करने के, तो जब एक स्टेट की स्टेट जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, फेलियर हो रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ स्टेट में, तब वहां पर इमरजेंसी देखने को मिलती है आपको स्टेट, जहां पर गवर्नर क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, गवर्नर को यदि लगता है कि यहाँ पर जरूरत है इमरजेंसी लगाने की, तो वो रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजेंगे, और प्रेसिडेंट को सही लगता है उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होते हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगाया जा सकता है, मीन स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है आफ्टर प्रेसिडेंट बिकम, तो उस टाइम जो है वो इस स्टेट के जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे, आपके प्रेसिडेंट होंगे। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर लगती है, तो ग्राउंड क्या है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के, जब, ठीक है, जब यदि किसी स्टेट में जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, या ये हो रहा है कि यदि भारत जो है वो वित्तीय संकट की ओर जा रहा है, ठीक है, तो आप जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस स्थिति से निपटने के लिए जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये हो गया कि फाइनेंशियल स्थिति जो अस्त व्यस्त हो गई, ठीक है, बिल्कुल वित्तीय संकट आ गया अपने स्टेट अपने कंट्री में, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पोज करेंगे इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए। और इस सिचुएशन में सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो रिड्यूस कर सकती है बजट को, और साथ ही साथ जो भी सैलरीज हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उनको भी डिडक्ट किया जा सकता है। डिफरेंस क्या है आर्टिकल 352 और 356 का, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आर्टिकल 352 में जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई भी जो मतलब फाइनेंस पैसे से रिलेटेड वित्तीय जो है वो संकट पैदा हो जाए अपनी कंट्री में, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी इशू की जा सकती है प्रेसिडेंट के ओपिनियन से, ऐसी सिचुएशन में जहां पर कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबल जो है मतलब कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल तरह से बिगड़ गई हो, और वहां पर वित्तीय संकट जो है वो उत्पन्न हो गया है। ड्यूरेशन कितना रहता है, तो बोला फाइनेंशियल इमरजेंसी का 2 मंथ रहता है, और यदि उसको एक्सटेंड करना हो तो पार्लियामेंट जो है वो रूल बना सकती है उसको एक्सटेंड करने के लिए भी, और नेशनल स्टेट इमरजेंसी जो है वो 6 मंथ के लिए लगती है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर के लिए, ठीक है। इफेक्ट क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज अ फॉलोइंग इफेक्ट, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड यूनियन स्टेट शैल डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, संघ या जो कार्यकारी प्राधिकारी है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए
क्या कर सकते हैं, राज्य को निर्देशन दे सकते हैं। और इसमें इंक्लूड किया गया है कि प्रोविजन फॉर द रिडक्शन की यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो वहां पर गवर्नमेंट के जितनी भी ऑफिशियल है उनकी सैलरीज को कम किया जा सकता है। इसमें इंक्लूड किया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को भी काट दिया जाएगा, ठीक है, कम कर दिया जाएगा। और मनी बिल जो है वो शेल रिजर्व फॉर अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट, की धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए संरक्षित होके। और इसी तरह से हमारा ये सेशन जो है यहीं तक था। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।